हिमाचल विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन हुए हंगामे को लेकर प्रदेश में भाजपा व कांग्रेस दोनों ही दलों द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने व विरोध करने का सिलसिला लगातार जारी है। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस दौरान रोष रैली भी निकाली। मीडिया से बात करते हुए मंडल अध्यक्ष प्रताप ठाकुर ने बताया कि हिमाचल विधानसभा सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में जो हंगामा किया वह बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायकों ने संवैधानिक पद पर बैठे राज्यपाल का रास्ता रोककर गरिमा पद को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ही पंचायती राज चुनाव में हार के बाद बौखलाए हुए हैं, जिस कारण इस तरह के कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने मांग की कि कांग्रेस विधायकों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। सत्र के पहले दिन कांग्रेस पार्टी ने जो घटिया हरकत की है वह बहुत ही शर्मसार है और भारतीय जनता पार्टी नाहन मंडल इसका घोर विरोध करती है। कांग्रेस पार्टी बौखला गई है कि आने वाले 2022 में उन्हें अपना अस्तित्व कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए बौखलाहट में आकर वो माननीय राज्यपाल जी का एक गृहमयी पद का घेराव करने की सोच रहे हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि पिछले चुनाव में, पंचायती राज चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है और पूरे हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अव्वल नंबर पर रही है। कांग्रेस पार्टी को यह दिखाई दे रहा है कि वो 2022 में उनका अस्तित्व खत्म हो रहा है, इसलिए वो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हैं। माननीय जयराम ठाकुर जी के आशीर्वाद से 2022 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस बौखलाहट में कांग्रेस पार्टी इस तरह के हथकंडे अपना रही है। उन्हें पता है कि आने वाले समय में हमारा अस्तित्व बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, जिस तरह पंचायती राज के चुनाव में उनका बिल्कुल ही अस्तित्व खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी नाहन मंडल इस घटना अपराध की, इस तरह के घोर अपराध की, इस घटना की कड़ी निंदा करती है। पीआईटीवी न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट, नाहन।